यूपी के बस्ती डीएम आवास के बाहर अचानक ग्रामीणों द्वारा सौ रखकर प्रदर्शन करने से हड़कंप मच गया। डीएम आवास पर सौ रखकर प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने और सौ को गांव ले गए। मामला एक महीने पुराना है। चुनावी रंजिश में कलवारी थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में दो बच्चों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। मृतक का एक महीने से इलाज चल रहा था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। एक बच्चे की जो मृत हो गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो है अगली कार्रवाई की जाएगी, उसके अनुसार फिर धारा जो है वो बढ़ेगी। सर, मौत कैसे हुई थी? अब मौत के लिए भी FIR लिखी गई है। आपस में झगड़े हुए थे पहले, तो उसमें भी FIR भी लिखी गई है और लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। अदालत से उनको जो है उनकी जो है बेच हो गई। और इसमें सब लोग पैसा दे दिए हैं, साहब लोग को, सीओ एसपी को, और हम लोग का केस कहीं धारा बढ़ ही नहीं रहा है। हमारे पिताजी भी थे, ये भी इनको भी यहाँ कई जिला अस्पताल में लेके आए थे एडमिट करने के लिए। वहाँ के भी डॉक्टर लोग क्या बोले कि हम लोग एडमिट नहीं करेंगे। वो लोग मेडिकल कागज़ बना के दे दिए हम लोग को। गोरखपुर भी गए हम लोग। गोरखपुर से मारा कौन था, क्यों मारा था ये बताओ? मारा था हमको रामजोर रामजोर श्रीकांत मिश्रा बबलू डब्लू बबलू श्रीकांत मिश्रा अजोरे विनोद पांडे बाद रामजी रामजी और रामजीत रही रोहित रही और जयराम और कमल रामकरण चुनाव के रंजिश में।